नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हालांकि मेरा बधाई जो है कि बहुत बासी हो चुका है, लेकिन हम इतनी बड़ी उपलब्धि को नाकार भी तो नहीं सकते हैं, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने करके दिखाया, जो पूरी दुनिया ने नहीं करके दिखाया, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है, इसको हम नेग्लेक्ट भी तो नहीं कर सकते हैं। और आज हम इसी मैटर पे चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन जो सफल हुआ, इसकी सफलता को लेकर के एक सिविल सेवा की अभ्यर्थी होने के नाते हमें कैसे सोचना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक सिविल सेवक या सिविल सेवा की अभ्यर्थी होने के नाते हमको इस सफलता को किस प्रकार से देखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग सारा न्यूज देख लिए होंगे, आप लोग हर सोशल मीडिया को देख लिए होंगे। हालांकि हमारा जो लेक्चर है उन सब से अलग रहेगा, क्योंकि हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो सफल हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी होने के नाते अगर आपसे सिविल सेवा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ, इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विवेचना करें, या क्वेश्चन पूछ दे कि इसका हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विवेचना करें 150 शब्द या 250 शब्द न क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको नेगेटिव थॉट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे या मेंस पेपर में ही पूछ दे क्वेश्चन, और पूछेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि को जिसको पूरी दुनिया देख रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ सक देगा कहीं कोई सिविल सेवा में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर न्यूज में यही चीजें दिखा रही है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है नेगेटिव थॉट से इंटरव्यू में कि बताइए कि हम करोड़ों रुपया चंद्रमा पे मिशन के लिए खर्च कर रहे हैं, 978 करोड़ चंद्रयान 2 पे खर्च किए थे और वो असफल हो गया। अगर वही पैसा हम मतलब दिल्ली के डेवलपमेंट में करते तो शायद दिल्ली बाढ़ से नहीं डूबता, दिल्ली रहे या वर्तमान में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जो भी रहे, यानी देश के विकास पे उतना खर्च करते तो शायद हमारा देश का विकास होता, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, इंटरव्यू में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है नेगेटिव थॉट से, तो आपको कैसे जवाब देना है, आपको क्या सोच के जवाब देना है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा इसका राष्ट्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा सिविल सेवा में कि रोवर का वजन कितना है, लैंडर का वजन कितना है, कई तारीख को लॉन्च किया, ये सब नहीं पूछेगा। हाँ पूछेगा भी तो पेटी में एक दो फैक्ट पूछ सकता है, टेक्निकल चीजें, ठीक है, लेकिन मेंस में इंटरव्यू में जो आपसे सवाल पूछेगा आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन को जो है कि नेशनल स्पेस डे घोषित किया है ना, तो उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम उसके प्रभाव को दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन जो सफल हुआ उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि देखिए, राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगा हमारे देश में। आप देख रहे होंगे कि जब चंद्रयान मिशन चंद्रमा पे जब लैंड करने वाला था, पूरी देश की निगाह देश का ही नहीं, विदेश में रह रहे भारतीयों की निगाह, विदेशियों की निगाह इसी पे टिका हुआ था। विदेशी मीडिया का भी हर न्यूज में यही चीजें दिखा रहा था, और जब विदेशी मीडिया के न्यूज में इतना बड़ा चीजों को दिखा रहा हो, पूरे भारत की निगाह इसमें हो, कहीं कहीं ये हमारे राष्ट्रवाद को प्रदर्शित करता है, हमारे राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करता है। अब देखिए, अगर आप लोग देख रहे होंगे क्रिकेट ही देखते हैं, भारत पाकिस्तान में जब क्रिकेट होता है, ठीक है, हालांकि हम आपस में कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम गुजराती, तो हम पंजाबी, तो हम हरियाणवी, तो हम राजस्थानी कहते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान में जब क्रिकेट होता है तो गर्व से हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगता है। हर भारत का दिल में ये जग जाता है कि हम भारतीय, आज भारत जीतना चाहिए, एक राष्ट्रवाद की भावना जगता है। तो वहां क्रिकेट में राष्ट्रवाद था, लेकिन आज हम लोग देखे इसको हम लोग क्या खगोलीय राष्ट्रवाद कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल नेशनलिज्म कह सकते हैं इसको, खगोलीय राष्ट्रवाद।
पूरी दुनिया की निगाह, पूरे दुनिया में रहने भारतीयों की निगाह इस पे था, तो राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगा। कहीं कहीं मतलब हर भारतीय सोच आज गर्व से कह रहा है कि हम भारतीय हैं, विदेश में भी रह रहे भारतीय कह रहा है कि हम भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, बड़े बड़े विकसित कंट्री जो नहीं करके दिखाया, वो भारतीय करके दिखाया। जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, वो गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय, और उसका सम्मान भी बढ़ गया ना, उनका सम्मान भी बढ़ गया। कहीं कहीं आज पाकिस्तान वाले इन सोच के पछता भी रहे होंगे कि शायद हम भारत में ही रहते तो हमारा सम्मान अधिक होता। क्यों? क्योंकि भाई जो भी भारतीय विदेश में है अभी, उसका सम्मान और गर्व से बढ़ गया है, लेकिन पाकिस्तानी का सम्मान तो उतना नहीं है। तो कहीं कहीं आज पाकिस्तान ये सोच भी रहा होगा कि शायद हम आज हिंदुस्तान में ही रहते तो हमारा जो है कि थोड़ा सम्मान ज्यादा रहता। हर पाकिस्तानी का दिल में कहीं कहीं ये चीजें चुभ रहा होगा आज, ठीक है। और हर भारतीय आज गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं, विदेश में भी रह रहे भारतीयों का सम्मान बढ़ गया, ये हमारा राष्ट्रवाद है। तो आप ऐसे ही इसका जवाब दे सकते हैं कि राष्ट्रवाद हमारा मजबूत होगा, विदेश में रह रहे भारतीयों का सम्मान बढ़ेगा ना। कभी कभी आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश हमारा जन्म अमेरिका में होता, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। उसी प्रकार से आज कई सारा छोटा छोटा देश, कई सारा बड़ा कंट्री भी सोच रहा है कि हमारा जन्म अगर आज भारत में होता तो शायद हमारा सम्मान और ज्यादा होता। क्यों? जैसे नेपाल, भूटान, ये सब छोटा छोटा बहुत सारे कंट्री है, वहां सोच रहा होगा ये, क्योंकि भारतीयों का सम्मान विदेश में आज बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय जोहान्सबर्ग में थे न, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गर्व से भाषण दे रहे थे, आप लोग देखे ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। आपका पहला जवाब होगा ये कि चंद्रयान 3 मिशन जब सफल हुआ तो हमारा राष्ट्रवाद क्या हुआ? हमारा राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। नहीं, पहले हम लोगों को जब चंद्रयान 2 मिशन असफल हुआ था तो यही बोल रहा था भारत सपेरों का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत क्या करके दिखाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के पर सवाल खड़ा कर दिया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि भारत वो धरती है, भारत वो दृढ़ संकल्पना की धरती है जो मिट्टी में भी सोना उगाने की क्षमता रखती है। और कहीं न कहीं हम चंद्रयान 2 की असफलता से सीखे और आज हम वो इतिहास रच दिए जो पूरी दुनिया ने नहीं रच पाया। आज हर भारतीय गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं, कोई उसको नकारता नहीं है। अगर नकारेगा भी तो बोलेगा तुमने क्या करके दिखाया है, मैंने तो चंद्रमा पे कदम रखी, सम्मान बढ़ गया ना। तो ये आपका सोच होना चाहिए, ठीक है। पहला तो राष्ट्रवाद को क्या मिलेगा? मजबूती मिलेगा। आप देखे आप राष्ट्रवाद में, हालांकि हम इसमें थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे इस टॉपिक में, पहले हम अपना भारतीयों को देख लें। उसके बाद इसमें मतलब चंद्रयान 3 मिशन जब सफल हुआ तो इसका हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हमारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले हम आर्थिक प्रभाव को देखते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं आर्थिक प्रभाव को, ठीक है। तो देखिए आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ेगा, ठीक है। आपसे हम अभी तुरंत बोले थे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम 600 करोड़ खर्च किए चंद्रयान 3 मिशन पे, 615 करोड़, वही अगर हमारा देश का डेवलपमेंट में होता तो हमारा व्यवस्था आगे बढ़ता। तो आप इसको किस प्रकार से देखें, आर्थिक प्रभाव कैसे करेगा ये देखिए। जब हमारा चंद्रयान मिशन सफल हुआ तो पूरी दुनिया का वैज्ञानिक, पूरा दुनिया आज इसरो पे भरोसा करने लगा है। जैसे आप लोग ये मानते हैं ना कि सर निकाले हैं IAS क्या, तब सर के पास पढ़ेंगे ना। उसी प्रकार से चंद्रयान मिशन जब इसरो ने जब इसको छोड़ा, ठीक है, अब इसरो का ये मिशन सफल हो गया तो पूरी दुनिया अब इस मतलब इसमें विश्वास करेगा। और जिस कंट्री के पास अपना मिशन को छोड़ने के लिए रॉकेट नहीं है वो भारतीय रॉकेट को बोलता है, ठीक है, वो भारतीय रॉकेट को बोलता है कि आप जा रहे हैं क्या स्पेस पे, मेरा भी 4-5 गो मिशन लेके जाइएगा,
ठीक है। तो जब रॉकेट छोड़ता है इसरो के वैज्ञानिक, तो विदेशी भी लोग कहते हैं कि भारतीय रॉकेट के साथ मेरा भी 5 को लेके चलिए। एक प्रकार से ये स्पेस उद्योग के रूप में काम कर रहा है और इसरो का वैज्ञानिक का और सम्मान बढ़ गया और इसको पूरी दुनिया का लोग जिसके जिसके पास अपना रॉकेट नहीं है, अच्छा रॉकेट नहीं है, ठीक है, वो बोलेगा इसरो का वैज्ञानिक को कि आप जा रहे हैं क्या, मेरा भी 4 को लेके जाइए ना। और वो करोड़ों रुपया देता है। हम इसमें आपको एक डाटा दिखाते हैं, देखिए हम आपको डाटा दिखा रहे हैं कि वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में जो भारत का कद बढ़ा है, अभी तक टोटल 424 कुल विदेशी सैटेलाइट भारत ने लॉन्च किया है। यानी जब भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था तो विदेशी लोग भी बोल रहे थे कि मेरा भी सैटेलाइट लेके जाइए, उसको उसके लिए करोड़ों रुपया देता है, ठीक है। तो करो जैसे कि अभी तक में 389 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट भारत जो है लॉन्च कर चुका है, कब, 2014 के बाद। अब सोचिए कि इसरो के वैज्ञानिक ने टोटल 389 विदेशी मतलब सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। अब उसमें भी 35 सैटेलाइट जो है कि 2014 से पहले लॉन्च किया था, लेकिन 2014 के बाद 389 सैटेलाइट लॉन्च किया है, जस्ट 2014 के बाद, अभी 10 साल में ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें भारत 3300 करोड़ रुपया कमाया है, 3300 करोड़, आप सोच सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब इसरो का रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है तो विदेशी लोग भी अपना सैटेलाइट देते हैं कि मेरा भी रॉकेट मतलब कि सैटेलाइट लेके जाइए, उसके लिए करोड़ों रुपया देता है। और अब बताइए उसके बाद 104 उपग्रह लॉन्च किए हैं भारत, अभी तक भारत 104 उपग्रह लॉन्च किया है और उसमें से 103 विदेश का लॉन्च किया है भारत ने, और उससे 3300 करोड़ रुपया कमाया है। अब सोचिए आप कि ये एक प्रकार से उद्योग के रूप में भी काम कर रहा है, सिर्फ हम खर्च नहीं कर रहे हैं, अब उससे कमा भी सकते हैं, तो हमारा अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। अब देखिए अब इसरो का वैज्ञानिक और सफल हो गया, अब जब सफल हो गया तो विदेश के लोग जो है कि और अब विश्वास करेंगे, तो अब और ज्यादा सैटेलाइट देंगे न, और ज्यादा सैटेलाइट देंगे क्योंकि अब और भरोसा करेगा। तो एक तो हमारा अर्थव्यवस्था पे ये प्रभाव पड़ेगा, दूसरा आपका ये जवाब होना चाहिए, ठीक है, आप ये जवाब देंगे कि हमारा अर्थव्यवस्था पे ये प्रभाव पड़ेगा, हमारा राष्ट्रवाद मजबूत होगा। दूसरा चंद्रयान 3 तो अब सफल हो गया, मान लीजिए एक समय में, अभी तो रिसर्च चल ही रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए कि उसमें अच्छा अच्छा अभी तो उसमें बहुत प्रकार का खनिज पदार्थ भी पाने की मिलने की संभावना है, हो सकता है एक समय मानव भी वहां जाए, हालांकि मान लीजिए मानव नहीं भी जाए, उसको दूर रखिए, अगर मनुष्य नहीं भी जाएगा फिर भी वहां पे बहुत सारा मिनरल्स है, बहुत सारा खनिज पदार्थ है, सोना चांदी हीरा मिलने की संभावना है, वो बहुमूल्य धातु अगर मिलेगा वहां तो हम उसको लेके आ सकते हैं, और जब लेके आएंगे तो उसमें लाखों लोग काम में लगेगा ना, ठीक है। तो उस वो जो एक प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। मान लीजिए कि हम नहीं भी लाते हैं तो फिर कैसे प्रभाव पड़ेगा, तब हम ये कर सकते हैं अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये आप ये ध्यान में रखना है मेरा सारे बातों को, आप इसी चीज को जवाब में दीजिएगा, आप लिख भी सकते हैं इन चीजों को, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राष्ट्रवाद को मजबूती मिलेगा। तो आप देखिए तो अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगा ये, और वहां पे मिनरल्स मिलेगा तो मिनरल्स को हम लेके आएंगे तो उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा चीज है ये कि मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी से बाहर है चंद्रमा, तो पृथ्वी से बाहर जब किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो ईंधन खर्च होता है। अब हम क्या करेंगे, जब चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे तो चंद्रमा पे ही दूसरे ग्रह पे मिशन छोड़ेंगे, तो मेरा ईंधन कम खर्च होगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी मतलब सोलर एनर्जी लगा करके वहां भी मतलब सूर्य ऊर्जा मतलब निकाल सकते हैं, वहां भी मतलब बिजली उत्पन्न करेंगे हम लोग, तो उससे भी हमको संभावना हम बता सकते हैं ना, आप संभावना में लिख सकते हैं कि अगर हम चंद्रयान पे वहां पे इंसान को अगर भेजेंगे तो ये हमारी संभावना है कि वहां भी हम बिजली उत्पन्न करेंगे, वहां से भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा ना। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा
अब देखिए, अब जब हमारा अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगा, ठीक है, मजबूत होगा तो हमारा उसका सामाजिक प्रभाव पड़ेगा ना, राजनीतिक प्रभाव उसका पड़ेगा ना। कैसे? अब मान लीजिए जब आपका अर्थव्यवस्था मजबूत होता है तो आपका सामाजिक प्रभाव कैसे चेंज हो जाता है ना? जैसे कि आप देखिए, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको आप सड़क पे जाएंगे कोई नहीं पूछेगा, दो घंटा पुलिस वाला दे भी देगा, पूछेगा भी नहीं, दो घंटा दे भी देगा। लेकिन जैसे ही आप रातों रात पता चला अगले दिन आप आईएएस बन गए, वही पुलिस वाला जो आपको दो घंटा दे दिया था, वही आपका गाड़ी को सैल्यूट, आपको नहीं, आपका गाड़ी जब गुजरेगा ना वही सैल्यूट मारेगा जब आप डीएम बन जाएंगे। एक दिन में आपका क्या हो गया, समाज का स्थिति आपका चेंज हो गया, आपका खान पान चेंज हो जाएगा, आपका रहन सहन चेंज हो जाएगा। एक ही दिन में आप एक रूम में रह रहे थे, तुरंत एक फ्लैट ले मिल जाएगा आपको ना, आपको बड़ा सा आवास रहने के लिए मिलेगा। तो जब आपका अर्थव्यवस्था मजबूत होता है तो उसका समाज पे प्रभाव पड़ता है ना, तुरंत सामाजिक स्थिति क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा आपका। तो जस्ट उसी प्रकार से जब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको लॉन्च किया, तो इससे जब हम विदेशी पैसा कमाएंगे, चंद्रमा से मिनरल्स आके पैसा कमाएंगे, तो उसका प्रभाव विदेशी पर पैसा आएगा, चंद्रमा का जो मिनरल्स है वहां यहाँ आएगा धरती पे, तो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो हमारा समाज क्या हो जाएगा, और सुदृढ़ होगा, समाज का स्थिति सुधरेगा। ये हो गया दूसरा। अब देखिए समाज में, इसमें समाज में ही तो महिला आती है। अब आपको पता है कि आप न्यूज में देखे होंगे कि इसरो में जो वैज्ञानिक जो काम कर रहे थे उसमें 53 या 54 महिलाएं थी, 54 महिलाएं थी उसमें जो इसरो में काम कर रही थी। इससे कहीं कहीं समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा ना। क्यों भाई, क्यों महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा? आप देखिए कि अब हर भारतीय महिला अब ये सोचेगी कि जब भारत की महिलाएं इसरो की वैज्ञानिक में काम कर सकती है, चंद्रमा पे मिशन छोड़ने में काम कर सकती है, तो अब हर भारतीय महिलाओं को अब ये मतलब अपने दिल में ये भावना जगेगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं, ये भावना जगेगा सबके दिल में। और आप देखे थे कि 52, 53 या 54 महिलाएं हैं, और उसमें से आप देखे होंगे कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है ना, कल्पना, डॉक्टर कल्पना जी, ठीक है, उनका भाषण सुने होंगे आप लोग ना, कहीं कहीं वो भाषण जब दे रही थी, आप लोग सबको उनका स्पीच सुने होंगे, देखे होंगे आप लोग इस प्रकार से कि एक सिंपल साड़ी पहन के और वो स्पीच दे रही थी। सोचिए, भारतीय वैज्ञानिक है वो, और छोटे मोटे नहीं, बड़े वैज्ञानिक है वो, ठीक है, और कहीं कहीं वो भारतीय संस्कृति को बचा करके भी, ठीक है, कहीं कहीं वो वैज्ञानिक है। हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड ड्रेस, मतलब जींस टॉप पहनने वाला लोग ही, पहनने वाली लड़की ही जो है कि बहुत अच्छा इंग्लिश झाड़ सकती है, बहुत मॉडर्न हो सकती है। नहीं भाई, एक हम ये इसका विरोध भी नहीं करते हैं कि लड़कियों को जींस नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को स्कर्ट नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, हम देश आगे बढ़ रहा है उससे हमको बहुत खुशी है, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो विदेश में स्कर्ट पहनने वाली लेडीज है वही सिर्फ आगे नहीं है, साड़ी पहनने वाली भारतीय महिला को भी उतना ही नॉलेज है जितना विदेशी स्कर्ट पहनने वाली महिला को है, हम ये कह रहे हैं। तो कहीं कहीं भाई, जो आप लोग पहले ही किसी को देखते हैं, किसी लड़की को एकदम मॉडर्न है, स्कर्ट पहन के आ रही एकदम चश्मा उस्मा लगा के, तो आप लोग सोचते हैं उससे पहले ही डर जाते हैं बात करने में, भाई वो स्कर्ट पहन के आ रही है, चश्मा पहन के आ रही है, इसका मतलब वो थोड़ी को मॉडर्न है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा चीजें जानती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो भी पूर्वक हो सकती है। और एक भारतीय साड़ी पहनने वाली महिला भी सशक्त हो सकती है, इसरो के वैज्ञानिक में जा सकती है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि स्कर्ट नहीं पहने लेडीज, पहने, भारत आगे बढ़ रहा है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा भारतीय संस्कृति अच्छा है, हम इसको नाकार भी नहीं सकते हैं ना, इसको हम नाकार भी नहीं सकते हैं, इसकी हमारे इस संस्कृति को भी कहीं कहीं उसने बचाने की काम की है कि एक साड़ी पहन के, और आप देखे थे इसरो के वैज्ञानिक में जितने भी महिलाएं थी लगभग सब साड़ी पहन के थी, वो स्कर्ट पहन के, चश्मा पहन के नहीं थी,
अरे पहले हमको उससे दिक्कत नहीं है भाई, देश आगे बढ़े हमको तक दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति दुनिया में बेहतर है। एक सम्मान को बचाए, एक महिला का मर्यादा जो होती है, जो सम्मान होती है, उसको बचा करके भी वो एक वैज्ञानिक है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि स्कर्ट और टॉप जींस पहन के मॉडर्न हो जाए, नहीं, मॉडर्न तो साड़ी पहन के भी हो सकता है। आज भी दक्षिण भारत आप जाइए, दक्षिण भारत की हर महिलाएं साड़ी पहनेगी, पीछे में गजरा लगाती है, ठीक है, आज भी जाइए, लेकिन उनका जुबान से इंग्लिश में वर्ड निकलता है। भारतीय सम्मान है उनके पास, भारतीय संस्कृति को बचा करके भी वो इंग्लिश झाड़ दिए है। अब कई सारा दिल्ली में आ जाइए आप, कई सारा है स्कर्ट पहन के जींस टॉप पहन के घूमती है, उसको कुछ नहीं आता है लिपस्टिक पोत के। हम ये नहीं कहते हैं नहीं पोतना चाहिए भाई, देश आगे बढ़े, हमको, हम मॉडर्न से बहुत परिचित हैं, हम मॉडर्न को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति भी तो है ना। तो समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, महिला शिक्षा में ज्यादा ध्यान देंगे, महिला अब टेक्निकल चीजों में आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें भारतीय महिलाएं ने जो करके दिखाई है वो पूरी भारतीय नहीं पूरे विदेश में भी रह रहे भारतीय महिलाओं का सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया है नहीं? तो समाज में महिला का स्थिति ठीक होगा, समाज में हमारी स्थिति मजबूत होगी, ये प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आप देख रहे होंगे विदेश में हमारी राजनीति का धाक जम गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान के साथ एक अब अच्छे से बोल सकते हैं कि जो हमारे 140 करोड़ भारतीय भाइयों बहनों आज जो हमने करके दिखाया है वो आज पूरी दुनिया ने नहीं करके दिखाया, कहीं कहीं पूरी दुनिया के राजनीति में नरेंद्र मोदी जी आज सम्मान के साथ बोल पाते हैं ना। ये हमारा पूरी दुनिया के राजनीति में सम्मान बढ़ाना, पूरी दुनिया विश्वास करता है ना हमारी राजनीति पे कि हमारा पॉलिटिक्स अच्छा है। देखिए भाई, हम भले ही हमारा देश का नेता क्या हो ये हो उससे हमको मतलब नहीं है, वो तो सब दुनिया परिचित है कि नेता कैसा है, लेकिन कहीं कहीं भाई राजनीति में हमारा सम्मान तो बढ़ रहा है, विदेश तो एक समझ रहा है ना कि कहीं कहीं भारत का सिस्टम ठीक से चल रहा है। हालांकि हमारा देश का नेता क्या है वो दुनिया जानता है, हम राजनीति पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो दुनिया जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम राजनीति पे बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पॉजिटिव प्रभाव तो हमारा राजनीति पे पड़ रहा है ना। आज पूरा भारतीय गर्व से कह रहा है कि हम भारतीय हैं, सम्मान बढ़ गया आज, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से देखना चाहिए, चंद्रयान 3 मिशन जब सफल हुआ आपको ये नहीं देखना चाहिए कि चंद्रयान 3 मिशन असफल हुआ, मत सॉरी 2 मिशन असफल हुआ तो उसको कैसे देखना चाहिए नहीं। और आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, अब आपको जवाब अच्छे से शायद मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, ये तो भाई मैंने सोच के आप लोगों को बताया, एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी होने के नाते आप लोग उसमें और एक कर सकते हैं ना। आप जब आंसर लिखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ दे चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ इसका समाज पे या भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप तुरंत लिखेंगे इसका भारत के निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव में ये चीजें, आर्थिक प्रभाव में, राजनीतिक प्रभाव में आप तुरंत लिख देंगे, भर देंगे। और अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए तो आप एक शानदार आंसर दे पाए, ये मेरा मकसद यही था। और आप लोग इसमें ऐड कीजिए, आपको आप सोच ही तो है, मैं जितना सोच पाया आप लोगों को बताया, आप लोग भी सोचिए इसमें ऐड कीजिए आगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद यहीं तक था, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। रूस ने लूना मिशन छोड़ा और सफल हो गया, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि रूस का जो वैज्ञानिक है वो कमजोर है, भाई कमजोर नहीं है, ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी असफल हो जाता है, ठीक है। उसने इस मिशन पे 1650 करोड़ खर्च किया था, लेकिन भारतीय कितना खर्च किया, 615 करोड़ और सफल हुआ, सफल हुआ। आप सोचिए कि भारत के वैज्ञानिकों का आप इतिहास उल्टा करके देखिए। अभी आप लोग न्यूज में भी पढ़ रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं कहीं न्यूज में चित्र भी आया है, गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेहनत, देखिए भारत वैज्ञानिकों का सफर साइकिल से स्टार्ट हुआ है, साइकिल से और बैलगाड़ी से स्टार्ट हुआ, आप लोग न्यूज में जरूर देखे होंगे,
साइकिल और बैलगाड़ी से। मतलब जब हम चंद्र मतलब मिशन अंतरिक्ष मिशन में काम कर रहे थे तो हम जब रॉकेट लेके जाते थे लॉन्च करने के लिए ना, तो रॉकेट को साइकिल पे लेके जाना पड़ता था समुद्र किनारे लॉन्च करने के लिए। जब बड़ा मतलब बनाए मतलब रॉकेट तो बैलगाड़ी से लेके जाते थे। हमारी शुरुआत वहां से हुई है और आज आज हम चंद्रमा पे हैं। तो इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, तो एक प्रेरणा भी मिलता है हमको ना। असफलता ही सफलता का राज है, ठीक है। चलिए तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग भी इसमें ऐड कीजिए, आप लोगों को अगर और मतलब चीजें लगता है कि जुड़ना चाहिए तो जुड़िए, लेकिन एक सिविल सेवा अभ्यर्थी होने के नाते आपका बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, सोचने और समझने का सबसे अलग होनी चाहिए ना। वैसा नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं होना चाहिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में कुछ अलग बात है, डाटा याद कीजिए अलग बात है, लेकिन आप सोच के समझ के तुरंत लिख पाए। अगर क्वेश्चन पूछ दे यार आपको नहीं आता है, आप मान लीजिए मेरा क्लास नहीं देखे और क्वेश्चन आ गया, तो आपको सोच के तुरंत लिखना होता है। 5-7 मिनट का तो सवाल मतलब है, 7 मिनट में आपको लिख के कंप्लीट कर देना है, सोच भी लेना है। यही तो सिविल सेवा में करना है, यही सोच क्षमता को बढ़ाना है। चलिए दोस्तों तो आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।